फिर बड़े स्टोर में आएगा बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहां पर कामिनी का असली चेहरा फाइनली रिशिता के सामने आएगा। दरअसल आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि कामिनी जनार्दन और रिशिता की मॉम इसी बारे में डिस्कशन करते नजर आएंगे कि गौतम ने वो वीडियो बना लिया है जब उन्होंने जॉब दी थी और उनके उसी का सबूत उनके पास है कि उन्होंने क्या शर्त रखी थी प्रॉपर्टी की, जिसके बाद ने यहाँ पर वो पूरी तरह से हार चुके हैं। तो दूसरी तरफ पांड्याज और कॉन्फिडेंस होते हैं और यहाँ पर सभी के सभी पांड्याज यहाँ पर बात सुन रहे होते हैं इन तीनों की। तो वो तीनों ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब देखना वो और कॉन्फिडेंस में ज़रूर कोई ना कोई गलती ज़रूर करेंगे और ये सब कुछ धरा और ये सब कुछ लोग सुन लेते हैं और अब वो बहुत ही फूक फूक कर कदम रखने वाले हैं। तो वहीं देखने को मिलता है कि अब कामिनी अब यहाँ पर इसी बात का इंतजार कर रही है कि कैसे भी धरा को नीचा गिराया जाए। तो वहीं पर वो एक के बाद एक काम उन्हें सौंपते नजर आती है। तो वहीं रिशिता अपना डाइट चार्ट देकर काफ़ी खुश हो जाती है और धरा को गले लगा लेती है। तो वहीं रावी और धरा उसके लिए खाना वाना सूप वगैरह सब का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होते हैं। देव रिशिता को बहुत बुरा लग रहा होता है कि उनके परिवार को इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो वहीं पर कामिनी अब यहाँ पर प्रेस करने के लिए बहुत सारे कपड़े धरा को थमाती है और वहाँ पर नौटंकी करती है कि उसका हाथ धरा ने जला दिया है, जबकि यहाँ पर धरा ने हाथ जलाया नहीं होता है और धरा पर इस तरह के इल्जाम लगाती है जिसकी वजह से अब रिशिता भड़कते नजर आएगी धरा पर ही कि आप क्या उनसे बदला ले रही हैं। जिसके बाद यहाँ पर धरा फिर से यहाँ पर कोई उलझन होगी। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर कामिनी जब अपने कपड़े रखने अपने कबर्ड में जाएगी तो वहाँ पर उसका धरा का माँ का दिया हुआ हार उसके कपड़ों से नीचे गिरेगा और वो हार का वीडियो रिशिता और ये यहाँ पर धरा और रावी उसका वीडियो बना लेते हैं और वो वीडियो ही अब इस पूजा में भांडा फोड़ेगा। इस सबके सामने यहाँ पर धरा खुलासा कर देगी कामिनी ने वो हार किस तरह से चुराया था और किस तरह से घर वालों में सब में गलत फहमियाँ क्रिएट की थी और अभी हार का खुलासा ही रिशिता की आंखें खोलते नजर आएगा और उसे होगा एहसास कि कामिनी बुआ ने मिलकर कितना बड़ा इस नौटंकी की है। अब देखना होगा रिशिता इसी पूजा के बाद यहाँ पर फिर से सुमन के घर यानी पांड्या परिवार के साथ लौट जाएगी।